जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेव्हलपमेंट अँड डिझाईन सेंटर JNRDDC वाडी नागपूर हे ॲल्युमिनियम क्षेत्रातील उत्कृष्ट संशोधन आणि विकास केंद्र आणि खाण मंत्रालयाच्या स्वायत्त संस्थेने सोमवारी प्राईम सॅम प्रायव्हेट लिमिटेड PSPL सोबत भागीदारी केली आहे. आज 11 जुलै 2022 रोजी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या गेली. PSPL ही एक भारतीय स्टार्टअप मान्यताप्राप्त प्रमाणित कंपनी आहे जी खनिज आणि जीवाश्म इंधन क्षेत्रातील तंत्रज्ञान विकासात गुंतलेली आहे. फायदेशीर कार्यक्रम ड्रोनसाठी सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान GPS इत्यादी कार्य करतात. यावेळी संचालक JNARDDC डॉक्टर अनुपम अग्निहोत्री आणि MD आणि CEO PSPL चे मधुके नायर HOD MT निमजे सीनियर ॲडमिन ऑफिसर JNARDDC आर श्रीनिवासन PSPL डायरेक्टर रंजन सहाय आणि सिनियर मॅनेजर मार्केटिंग आदित्य सिंग कोळसा सॅम्पलिंग आणि विश्लेषणाच्या साक्षीने सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. सामंजस्य करार संशोधन आणि विकास आणि विश्लेषणात्मक सेवा या क्षेत्रातील दोन प्रमुख खेळाडूंना शाश्वत खाणकाम क्षेत्रात परस्पर फायदेशीर वैज्ञानिक तांत्रिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांची स्थापना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी कोळसा आणि लिंगलाइट सह विविध खनिजांमध्ये दीर्घकालीन सहकार्यांसाठी क्षमता निर्माण या सामंजस्य कराराचा मूळ उद्देश म्हणजे जागतिक दर्जाचे धातू आणि खनिज संशोधन व विश्लेषण केंद्र विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा करणे जे आपल्या माननीय पंतप्रधानांच्या खासगी सार्वजनिक भागीदारी मॉडेल अंतर्गत भारतात आपल्या प्रकारचे एक अद्वितीय उदाहरण असेल. देशभरातील विविध खाणीमधून विशेषतः लिंगालाइट आणि कोळशासाठी विविध खनिजाच्या प्रायोगिक फायद्यासाठी विविध संशोधन आणि विकास उपक्रमांना चालना देण्यासाठी केंद्र खनिजशास्त्र केंद्राच्या पुढील पिढीतील तंत्रज्ञान हाती घेईल. JNARDDC संयुक्त सहयोगी कार्यामुळे केंद्राला आणखी वैविध्य आणण्यासाठी प्रेरणा मिळेल, शिवाय महसूलही वाढेल. या कार्यक्रमात पाहुण्याच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आलं. यावेळी JNARDDC सभागृहात झालेल्या स्वाक्षरी समारंभात JNARDDC चे सर्व कर्मचारी आणि PSPL चे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. हम लोग भी एक कंपनी स्टार्टअप इंडिया कंपनी में हैं. MSME रिकग्नाइज्ड है, स्टार्टअप इंडिया रिकग्नाइज्ड है, तो हम लोग भी रिसर्च में ज़्यादा ध्यान देता है और बाकी हमारा एजुकेशनल साइड में है. नॉलेज पार्टनर्स बनते रहते हैं, कई साहब के साथ कई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े रहते हैं ताकि अपन क्या क्या चीज़ को कितना तक ऊँचा तक लेके जाता है. जहाँ तक JNARDDC का बात है, देखो इंडिया का सेंटर में है, एक हिसाब से वर्ल्ड का सेंटर बोलता हूँ मैं. वर्ल्ड का सेंटर इसीलिए बोलता है कि आज आवर इंडियन गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. तो ऐसा एक जगह में सबसे अच्छा लैबोरेटरी रिसर्च सेंटर इधर ही रहना चाहिए. तो थॉट प्रोसेस हम दोनों का जम गया था, तो जहाँ थॉट प्रोसेस जम गया वहाँ काम आगे बढ़ा दिया. उस तरीके से आज का ये प्रोग्राम हुआ. निदेशक जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, जिसको JNARDDC बोलते हैं. ये एक ऑटोनमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में. दिस इज सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर कैरिंग आउट रिसर्च एक्टिविटीज़ फॉर एल्युमिनियम. बट अब धीरे धीरे भारत सरकार ने बोला है कि हमारी डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे कम होनी चाहिए. वो बजट को धीरे धीरे कम करते हैं और चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होएं, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं. एक सेल्फ सस्टेनेंस की जो मुहिम चली है सारे ऑटोनमस बॉडीज़ के लिए, हम भी उसका पार्ट हैं. तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी मुलाकात मिस्टर मधु नायर से हुई. तो एक विन विन सिचुएशन है कि उनको एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत थी जो कि हमारे काम को और बढ़ा सके, हमारी मार्केटिंग कर सके और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल में भी आगे बढ़ा सके. नंबर एक, हम एल्युमिनियम छोड़ के भी अलग मेटल में जाना चाहते थे. ऑलरेडी हम लोग कोल के रेफरी लैब हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको रेफरी लैब नॉमिनेट किया हुआ है. हम कोल का काम कर रहे हैं पर रेफरी लैब में सैम्पल बहुत ज़्यादा नहीं होते. हमारा काम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है जैसा कि हमारे पास सेटअप है. तो नायर साहब से बात हुआ, इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है कोल के क्षेत्र में. तो हम लोग ने हाथ मिलाया कि उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजी और R&D को न सिर्फ एल्युमिनियम, अलग मिनरल्स और मिनरल्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएंगे. क्योंकि हमारे पास लैंड है तो उनके पास कई आइडिया हैं. पायलट प्लांट भी लगाने की कोशिश करेंगे
तो इट्स मोर और लेस एक जिसको बोलते हैं ना पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है, और रिसर्च एनालिसिस टेक्नोलॉजी सबको आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने आज ये MOU साइन किया है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये आगे ही आगे बढ़ेगा। थैंक यू। VKB News 30 वाड़ीतून विलास मांडेकर की रिपोर्ट।